आगे घाटे पे चल रहा है, तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर। आपने देखा कि ये यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं देखें तो इन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि अगर मार्केट में सामान बेचा जाता है, पटाखे बेचे जाते हैं, तो इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं इस साइड भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी लोगों द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, 40 के करीब स्टॉलों की परमिशन दी गई है और लोग यहाँ पर स्टॉल लगा भी रहे हैं और सामान खरीदने के लिए भी लोग आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो कुछ ना कुछ इनको उम्मीद है कि ग्राहक आएगा और बम पटाखे खरीद जाएंगे। सर अपना नाम बताएं पहले। सर मेरा नाम विकास वर्मा है। विकास जी, ये पहले भी आप स्टॉल लगाते थे? जी सर। तो हम क्या इस बार कैसा रहेगा आपका, ये बताएं कि एक तो कल बारिश थी। जी सर। सर बारिश की वजह से हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है वैसे, लेकिन कुछ बाज़ार में लोगों ने पटाखे लगाए हैं, अगर वो पटाखे हम नहीं लगे बाज़ार में तो शायद हमारे बिक जाए, नहीं तो मुश्किल ही है इस बार। आपने देखा कि ये विकास जी हैं और इनके द्वारा भी यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो इन लोगों को भी यही डर सता रहा है कि अगर मार्केट में पटाखे बेचे जाते हैं तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं पहले फिर अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अपना कैमरा घुमाएं, ये बताएं यहाँ पर, ये देखिए ये काफ़ी स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं और लोग भी बम पटाखे खरीदने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो लोगों को ये उम्मीद है कि ग्राहक आएगा और बम पटाखे खरीदे जाएंगे, लेकिन बारिश के कारण भी इन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है और आज यहाँ पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। 3 दिन पहले यहाँ पर स्टॉल लगाए जाते थे, लेकिन आज यहाँ पर स्टॉल लगाए जा रहे हैं। और मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि ये इनको उम्मीद है इनको कि जो बाज़ार में जो स्टॉल लगाए जाते थे वो नहीं लगाए जाएंगे, उसी के बाद इनका यहाँ पर माल बिकेगा, नहीं तो अगर बाज़ार में लगते हैं तो इनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सर अपना नाम बताएं। पवन गुप्ता। ये पवन जी हमारे साथ हैं और ये हर साल यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं, लेकिन मैं इनसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पवन जी ये बताएं कि एक तरफ तो कल बारिश थी तो कोरोना भी रहा है, तो क्या इस बार आपको माल सस्ते में भी मिला है कि या महंगा है माल इस बार? जी सर, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि सस्ता तो आजकल कहाँ रहा, अब दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है, कोरोना के बाद महंगाई बढ़ी है और कहीं ना कहीं जो है 10 से 15% जो है रेट में इन्हांसमेंट हुई है, रेट जो हैं बढ़े हैं। और जो अभी आप हमारे जहाँ स्टेडियम की हालत देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक जो है कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सख्त कार्रवाई की गई है। शहर के अंदर पटाखा बिक रहा है तो सुभाष स्टेडियम पूरा खाली का खाली पड़ा है सर। मुझे लगता है कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनको जल्दी से जल्दी सख्त पालन जो है सख्त निर्देश निकाल कर, और हमारे SHO ख़ास तौर से, मैं SHO उधमपुर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उधमपुर शहर से ख़ास तौर से जो गली चौराहे और जो छोटे मोटे जो हमारे चौक हैं वहाँ पर जो रेडी वगैरह वाले जो माल बेचते हैं वो जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए ताकि हमारा जो लोगों का नुकसान ना हो और जिससे जो है लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो। धन्यवाद। आपने देखा कि ये थे पवन जी, जिनका कहना था कि लोगों से, खासकर लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग मार्केट में बम पटाखे ना बेचें, लेकिन प्रशासन से भी अपील की गई है कि प्रशासन भी सख्त कोई कार्रवाई करे कि जो कि मार्केट में पटाखे बेचे जा रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके, ताकि ये लोग जो माल लेकर आए हैं, सही बताया दुकानदार ने कि लाखों रुपए का माल यहाँ पर रखा गया है, अगर ये माल नहीं बिकता तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रशासन को भी चाहिए कि जो मार्केट में पटाखे बिक रहे हैं